हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए 31 मार्च यानी कि कल से जैक बोर्ड का क्लास 3, 4, 5, 6 और 7 का फाइनल एग्जाम होने वाला है। एग्जाम को बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि जो विद्यार्थी इस एग्जाम में फेल हो जाएंगे उन्हें नेक्स्ट क्लास नहीं चढ़ाया जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि अगर गलती से आप फेल हो जाते हैं तो फिर इसी क्लास में और एक साल रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काफी कमेंट आ रहा है कि सर ओएमआर सीट अपलोड कीजिए, क्लास 6 का कीजिए, क्लास 7 का ओएमआर सीट कीजिए। अभी लाइव ले रहा था, उसमें भी कहा जा रहा था, कमेंट पहले से भी आ रहा है। तो ओएमआर सीट देखिए आपको स्कूल से मिलेगा, जब आप एग्जाम में बैठ जाइएगा उस वक्त एक पेज मिलेगा, वही पेज को ओएमआर सीट कहा जाता है। और एक अलग से आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन से क्वेश्चन को पढ़ पढ़ कर आपको बुकलेट में, बुकलेट यानी कि ओएमआर सीट, ठीक है, बुकलेट अलग चीज होता है, बुकलेट में आप पेन से लिखते हैं, ओएमआर सीट में पेन से लिखते हैं, बट उसमें गोल गोल किया जाता है। यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, ये आपका ओएमआर सीट है, इसी पर आपको अपना आंसर लिखना है। ठीक है, तो किस तरीके से लिखना है आपका आंसर और आपका नाम वगैरह सब मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ देर बाद अभी बताऊंगा। उससे पहले हम लोग चलिए जो आपका एग्जाम हो रहा है उसमें जो एग्जाम गाइडलाइन है उसको देख लेते हैं कि एग्जाम में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और मैं रिपीट कर रहा हूँ, सीरियस रहिए एग्जाम को लेकर, एमसीक्यू क्वेश्चन जितना हो सके याद करने का कोशिश कीजिए और इसमें फेल नहीं होना है। ठीक है, फेल मत होइएगा, कोई भी फेल मत होइएगा, मैं उम्मीद करूंगा और मुझे आशा है, उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कोई फेल नहीं होने वाले हैं। ठीक है, और जितना भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ क्लास 7 के लिए, उसे आप जरूर एक बार देख लीजिएगा और बुक भी पढ़ लीजिएगा। आपके स्कूल के टीचर जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर बताए होंगे सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, और क्लास 8 वाले सब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं तो चैप्टर का लास्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वही बेसिकली सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले गाइडलाइंस देख लेते हैं कि एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, कितने कितने नंबर का आएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए बेसिकली यही गाइडलाइंस है जो कि जेक की तरफ से आया है क्लास 3 से लेकर क्लास 7 तक के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर देखिए विषय लिखा हुआ है कक्षा 3 से 7 यानी कि कक्षा 3 से 7 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन के संबंध में। यहाँ पर ये काफ़ी लंबा दिया हुआ है, इसे आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा। हम लोग यहाँ से देखते हैं, देखिए जो निर्देश दिया गया है, ठीक है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। पहला नंबर देखिए, मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 31 मार्च 2022 को पूर्व यानी कि मॉर्निंग में 9 बजे से किया जाएगा तथा कुल अवधि 3 घंटों की होगी। 3 घंटा में आपका सभी जो भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 3 घंटा में। ये भी कमेंट आ रहा था कि सर एक दिन में एक सब्जेक्ट होगा या फिर एक ही दिन में सब सब्जेक्ट होगा या किस तरीके से एग्जाम होगा, तो यहाँ पर आई थिंक उनका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि एक ही दिन में यानी कि कल ही आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट का हो जाएगा। ठीक है, क्लास 3 से क्लास 7 वाले ध्यान सुनिए, कल आप अच्छी तरीके से खाना पीना खाकर जाइएगा, 9 बजे एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और ख़त्म होगा 3 बजे, और ये 9 से 3 के बीच में आपको जितना भी सब्जेक्ट है आपका सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा एक ही दिन में कल। बस आगे देखिए, सेकेंड, कक्षा 5 से 7 तक की परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी। देखिए ये चीज़ मैंने पहले भी बताया था कि कक्षा 5 से 7 इनका परीक्षा ओएमआर सीट पर लिया जाएगा। ठीक है, वहीं पर देखिए कक्षा 5 में कुल 40 जबकि कक्षा 6 एवं 7 में 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, कक्षा 5 में 40 क्वेश्चन और कक्षा 6 और 7 में 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कक्षा 3 और 4 में भी देखिए 40-40 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखिए, कक्षा 3 से कक्षा 4 की परीक्षा प्रश्न पत्र से उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी यानी कि बुकलेट पर ली जाएगी, क्वेश्चन ऊपर रहेगा उसी के नीचे आपको आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, या फिर टिक करना रहेगा, ओ एम आर सीट नहीं रहेगा कक्षा 3 और 4 वालों का। देखिए अब अगला, यह मूल्यांकन राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षावर सभी विद्यार्थियों के लिए आयोजित होगा, यानी कि सभी सरकारी एवं सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में होगा। आगे देखिए, 7 नंबर, मूल्यांकन के दौरान कोविड-19 के अनुपालन दृढ़ता के साथ सुनिश्चित किया जाएगा।
आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 8 नंबर में, संस्कृत एवं उर्दू विषयों का मूल्यांकन शिक्षकों द्वारा विद्यालय स्तर पर लिया जाएगा। यानी कि आपका संस्कृत और उर्दू का एग्जाम आपके स्कूल के टीचर लेंगे, तो आपका तो बल्ले बल्ले हो गया, स्कूल के टीचर आपको अच्छा नंबर देंगे। कक्षा 5 से 7 की OMR शीट पूर्व में ही जिला को विद्यालयवार पैकेट में उपलब्ध करा दी गई है। ये चीज़ मैंने बताया था पहले ही कि OMR शीट पहुंच चुका है विद्यालय तक। आगे देखिए 10 नंबर में लिखा हुआ है, 5 से 7 का प्रश्न पत्र जैक से JCRT द्वारा प्राप्त कर तथा कक्षा 3 से 4 की प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका सीधे JCRT रांची द्वारा जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। सामग्रियों के उठाव की तिथि की जानकारी आपको अलग से दी जाएगी। खैर ये सब अलग बातें हैं, तो यहाँ पर बेसिकली यही है विद्यार्थियों के लिए, बाकी तो शिक्षकों के लिए है, शिक्षक अपना इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये है जितना मैंने बताया स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट था। तो चलिए अब लोग पढ़ते हैं OMR शीट पर। तो आई होप सब समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में कैसा गाइडलाइन रहेगा। ठीक है, अब हम लोग चलिए समझते हैं कि OMR शीट पर आप अपना आंसर किस तरीके से भरिएगा। मेरे पास एग्जैक्ट जेक बोर्ड का OMR शीट नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार से ही क्लास 7 का शुरू हो रहा है OMR शीट पर, पहले नहीं होता था। बट मेरे पास एक डेमो OMR शीट है जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को अपना आंसर लिखना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका OMR शीट रहेगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर मार्किंग इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, हिंदी या इंग्लिश में रह सकता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज आपके टीचर आपको बताएंगे ही। ठीक है, कन्फर्म बताएंगे ही क्योंकि आप पहली बार OMR शीट पर एग्जाम दे रहे हैं। और यहाँ पर कैंडिडेट नेम आपको अपना नाम लिखना है, जिस प्रकार आपके टीचर बोलेंगे उसी प्रकार लिखना है। और यहाँ पर आपको एक बॉल पेन लेना है, ठीक है, बॉल पेन लेना है ब्लू कलर का और ब्लैक कलर का, दो आप बॉल पेन अपने साथ ले जाइएगा। ठीक है, ब्लू और ब्लैक, कहीं कहीं ब्लू भी चलता है, जनरली ब्लैक से OMR शीट को भरने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मानकर चलिए एक क्वेश्चन मैं पहले लेता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए मानकर चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने हिंदी का लिया है, अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है आसमान, दूसरा अभिलाषा, तीसरा ऑप्शन है अनादर, चौथा है अवहेलना। तो इसका क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आसमान सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर पहला सही है तो हम लोग ऑप्शन पहला में गोल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ये ऑप्शन पहला है, ये ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन तीसरा को किया हुआ है, लेकिन अभी हम लोग जो क्वेश्चन देखे थे वो ऑप्शन पहला सही था। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर इस तरीके से आपको ऑप्शन रहेगा, ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शन रहेगा ABCD, तो ऑप्शन पहला सही था। तो इसको इस तरीके से आपको ब्लैक से, ठीक है, ब्लैक पेन से, चलिए मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक पेन से इस तरीके से इसको कलर करना है। और इस तरीके से कलर करना है कि बिल्कुल पार भी नहीं होना चाहिए बाउंड्री से, ये जो गोल घेरा है इसे पार भी नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा बाउंड्री पूरा मतलब बचना भी नहीं चाहिए अंदर कुछ भी, इस तरीके से देखिए एग्जैक्ट इस तरीके से आपको कलर करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपको डेमो दिखाऊँ तो बिल्कुल इस तरीके से कलर होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से कलर होना चाहिए। और यहाँ पर इस तरीके से टिक भी नहीं करना है, और यहाँ पर इस तरीके से मार्क भी नहीं करना है, और यहाँ पर आधा करके आधा छोड़ दिया, इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। ये रोंग मेथड है और ये करेक्ट मेथड है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, नीचे आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर भरना है, जो भी है रोल नंबर भरिएगा, उसके बाद रोल नंबर में भी कलर करना है, वो आपके टीचर बता देंगे। इसी तरीके से OMR शीट आपको मिलेगा, जितना भी क्वेश्चन आपका रहेगा उतना ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर रहेगा। तो ये है, और हो सकता है तो आपको यहाँ पर साइन करने के लिए भी दिया जा सकता है, आप अपना यहाँ पर साइन कर दीजिएगा, ठीक है, कैंडिडेट सिग्नेचर रहेगा तो साइन कीजिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं करना है, और इधर इधर आपके टीचर साइन करेंगे यहाँ पर। तो यही है OMR शीट जो आप अभी देख रहे हैं, और ये आपको स्कूल से ही मिलेगा, बाहर से नहीं मिल सकता है, मैं भी आपको नहीं दे सकता हूँ, बस बता सकता हूँ कि इस तरीके से OMR शीट रहता है। आई होप सब क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर कहीं पर कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट कमेंट करके सॉल्व कर दूंगा। और कल आप लोगों का एग्जाम है क्लास 3 से लेकर क्लास 7 तक का, तो सभी को जितने भी क्लास 7 और 3 के बीच में है सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका जो कल एग्जाम है बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए।
ठीक है, और आप अच्छे नंबर से पास हो जाए। लास्ट में एज यूजुअल मैं कहूंगा जरूर कि आप अभी तक इस चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।